ओके बेटा, इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या देख लिया था? थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर दिया था और हम लोगों ने वर्क डन निकालने का तरीका सीख लिया था, राइट? आज आपके सामने दो न्यूमेरिकल दे रखे हैं। ये आसान है, ये थोड़ा सा मतलब है आईआईटी लेवल का क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आप लोगों के लिए, बट अभी करेंगे इसको। बट उससे पहले मैं आपको, ये करने से पहले आपको एक नई चीज सिखा देता हूँ। वैसे तो हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स सीखी हुई है, जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन से प्रोसेस की बात करने जा रहा हूं मैं? आइसोथर्मल। तो आपके पास जो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन होता है वो हमारे पास किस तरीके से होता है, कितना होता है और कैसे होता है, ये हमें देखना है, राइट? आइसोथर्मल का मतलब हमारे पास क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, राइट? ये चीज तो, सॉरी, आइसोथर्मल का टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसो बारिक का हमारे पास ये था, अभी हमें आइसोथर्मल का देखना है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, राइट? इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास एक सिंपल सी बात है, डब्ल्यू की वैल्यू क्या आती है, वर्क डन इज इक्वल्स टू पी डॉट डेल्टा वी। तो dW इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आता है, पी डॉट डी। यहां तक तो क्लियर है अपने को, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में इतना सब कुछ कर लिया है। अब अगर मैं आपसे कहता हूं मेरे को एक इक्वेशन पता है, PV इज इक्वल्स टू nRT, चलेगा? तो यहां से मैं लिख सकता हूं P इज इक्वल्स टू nRT बाय V, राइट? अब यहां से आपके पास आ जाएगा dW इज इक्वल्स टू, P की जगह मैं क्या लिख दूं, nRT बाय V डॉट dV, राइट? एनआरटी को मैं बाहर लेता हूं और दोनों तरफ से इंटीग्रेट करना शुरू कर देता हूं। तो dW का इंटीग्रेशन W, dV बाय V का इंटीग्रेशन log V, ln V, मतलब पहले log तो हम लोग बाद में कन्वर्ट करेंगे। तो बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड आई कैन राइट इट एज W इज इक्वल्स टू nRT, मैंने बाहर ले लिया है, और dV बाय V। अब यहां पर इसका इंटीग्रेशन ln V हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा W इज इक्वल्स टू nRT। अब यहाँ पर देखिए बेटा, वी इनिशियल से लेकर वी फाइनल तक हम लोग इंटीग्रेट करते हैं इस चीज को, और अगर ऐसे अगर हम लोग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा nRT ln। देखो dV बाय इसका आ गया, तो nV आ जाएगा इसका, है ना? और ये वी हमारे पास VI से लेकर VF तक हो जाएगा, राइट? यहाँ तक कोई क्लियर है, डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग करते हैं nRT ln VF-VI, और मैंने आप लोगों को ये चीज बता रखी है, लॉग में जो ये वाला फंक्शन होता है हमारे पास किस में होता है, डिवीजन का होता है। तो ln VF माइनस VI हो जाएगा, तो यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा nRT ln VF by VI। अब इस ln को बेस लॉग e में, लॉग बेस 10 में करने के लिए तो 2.303 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास नेट वर्क डन कितना आ जाएगा, 2.303 nRT log base 10 VF by VI, और VF upon VI, और P में क्या रिलेशन रहता था, दोनों इनवर्स रहते थे, तो इज इक्वल्स टू, आप ऐसे भी लिख सकते हैं बिल्कुल, तो सेम डेरिवेशन जो आएगी हमारे पास 2.303 nRT log P initial upon P final, मतलब दोनों ही चीजें आप लोगों को पता रहनी चाहिए। ये सारी डेरिवेशन हम लोग मेरे हिसाब से केमिस्ट्री में भी कर चुके हैं, इसमें कोई बड़ी चीज तो नहीं होनी चाहिए, राइट? ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी मेरे को अच्छा लगा। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू इंक्रीज द टेंपरेचर ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस बाय 30 डिग्री सेल्सियस। क्या क्या हिंट दे रखी है, 1 मोल टेंपरेचर इंक्रीज किया, यानी कि चेंजिंग टेंपरेचर है, ठीक है, 30 डिग्री, एंड इट इज एक्सपेंडिंग अंडर द कंडीशन V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 2/3। वेल, आपको जो यहां पे दे रखा है, आपको पता है PV इज इक्वल्स टू nRT होता है, और 1 मोल का गैस की बात कर रहे हैं, तो PV इज इक्वल्स टू RT हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपसे पूछा है अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो भैया वर्क डन कैसे निकालते हैं, W इज इक्वल्स टू P टाइम्स ऑफ dV, राइट? तो P को मैं क्या लिख सकता हूँ, RT बाय V, P इज इक्वल्स टू RT बाय V लिख सकता हूँ, एक इक्वेशन ये आ जाएगी। और दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या दे रखा है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 2/3 दे रखा है, तो ये भी हमें गिवन है, तो V इज इक्वल्स टू K T की पावर 2/3, चलेगा? मैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का हटा देता, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, ये V की वैल्यू हो जाएगी, राइट? अब मैं अगर लिखना चाहूँ इसको dV बाय dt की टर्म से डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे T के साथ फंक्शन वही कर रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अगर इसका फंक्शन डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो dV बाय dt इज इक्वल्स टू 2/3 पावर में इधर आ जाएगी, और ये माइनस वन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -1/3, पता है ना, ये एन माइनस वन ही तो होगा, ये हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो 2-3 1/3 बचेगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा
टू बाई थ्री के टी की पावर माइनस वन बाई, चलेगा यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? सो यू कैन राइट कि आपके डीवी की वैल्यू आ गई है 2 बाई थ्री के टी की पावर माइनस वन बाई थ्री डॉट डी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहां तक? नहीं है। अब आते हैं हम लोग अपना बर्डन निकालने में। W इज इक्वल टू हमारे पास क्या रहता है बेटा, पी डी डब्ल्यू निकाल लेते हैं, छोटा सा बर्डन है क्योंकि हमारे पास डीवी की वैल्यू आई। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डॉट डीवी, इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ से। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर टी, पी तो बाहर ही आ जाएगा, पी तो कॉन्स्टेंट है, आर टी बाई बी आ जाएगा, और डी डब्ल्यू का क्या आ जाएगा हमारे पास डब्ल्यू, पी की जगह पर क्या आ जाएगा आर टी बाय वी। और बेटा डी वी की वैल्यू डाल दीजिए, आपके पास क्या आई है टू बाय थ्री के टी की पावर माइनस वन बाय थ्री। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? हाँ, डॉट डी टी भी आना चाहिए बेटा, डॉट डी टी रहेगा, डॉट डी टी भी है, बिल्कुल है, ठीक है, समझ में आता है। और टेम्परेचर का चेंज है तो जीरो से लेकर टी लिख लो, टी वन से लेकर टी टू लिख लो, उससे कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, अभी पता चला क्यों फर्क नहीं पड़ना। अच्छा, यहाँ पर वी की वैल्यू क्या है, के टी की पावर टू बाई थ्री, राइट। तो यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं। देखो मैथमेटिक्स है, बाकी कुछ नहीं है, क्वेश्चन आपको टफ लग रहा होगा पर बहुत सिंपल तरीके से मैं सॉल्व करना बता रहा हूँ आप लोग, स्टेप बाई स्टेप चल रहे हैं। तो वी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा आर टी, वी की वैल्यू क्या आई है बेटा मेरे, के टी की पावर टू बाय थ्री, राइट। अच्छा, अब मैं इसे बाहर लेके आ जाऊं इनटू टू बाय थ्री, डी टी अंदर रहेगा, बाकी सब तो भाई टी के साथ जो हमारे पास टर्म है यही तो अंदर रहेगा, बाकी तो हमारे पास बाहर आ जाएगा। और डी टी का इंटीग्रेशन जीरो से लेकर टी तक कर दो, इसे एक काम करो जीरो से लेकर टी तक कर दो, तो ये डी टी का इंटीग्रेशन टी बन जाएगा, ठीक है। तो इसको बाहर निकाल देते हैं, टू बाय थ्री इंटू के t की पावर माइनस वन बाय थ्री डॉट डी टी का, या फिर डॉट डी टी रहने दो, कोई टेंशन ही नहीं है, ऐसे रहने दो, रहने दें। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, देखो इस t के ऊपर पहुंचा दो, तो देखो t की पावर माइनस टू बाय थ्री और t की पावर माइनस वन बाय थ्री, वन हो जाएगा ना, माइनस वन हो गया, तो t से t एक कट जाएगा, एक t ऊपर बचेगा, समझ में आ रहा है, समझ में आ गया नहीं भाई? मेरे हिसाब से अगर मैं यहाँ पे लिखा तो टी की पावर माइनस वन बचेगा, माइनस वन बाई थ्री और माइनस टू बाई थ्री हो जाएगा, तो टी की पावर माइनस वन बचेगा, तो इस टी की पावर माइनस वन से यार टी कट जाएगा, तो कुल मिला के हमारे पास कहानी क्या बच जाएगी, आर के से के भी गया, डी टी यानी कि टू बाई थ्री आर टाइम्स ऑफ डेल्टा टी या डी टी लिख लो। और डी टी हमारे पास वैल्यू दे रखी थी, इसे मैंने वैल्यू डाली, डी टी की वैल्यू दे रखी है, चेंज जितना टेम्परेचर हुआ कितना आ गया, थर्टी आ गया, डायरेक्ट थर्टी डाल दो ना, चेंज तो बोला है, समझ में आया। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा, थ्री से गया ट्वेंटी टेन, तो कितना आ गया ट्वेंटी आर, ये आपका आंसर, ठीक है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था लेकिन इतना भी टफ नहीं था। हाँ जी, क्या बेटा? ओके बेटा, ये चीज समझ में आ गई है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चाहिए डी टी का इंटीग्रेशन डेल्टा टी कर देना यार, वो अब एक ही बात है, मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली और ये, ठीक है ना, और डेल्टा टी ही तो मैं थर्टी दे रखा है, उसमें आंसर फर्क नहीं आएगा, मेरे को मेथड सिखा रहा था, मैंने आपको मेथड सिखा दिया किस तरीके से करना है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी ठीक ठाक है, ज्यादा वो तो नहीं है। अब यहाँ पे ना आपको चीजें पकड़नी थी बस थोड़ी सी, कि आपसे पूछा गया टीवी कर दिया है, इस बार कौन सा कर दिया है आपको, टीवी कर दिया है, पहले जो हमने ग्राफ देखे थे वो टीवी कर्व के थे, उसका एरिया निकाले था, हमारे पास बर्डन आ गया, अभी टीवी कर्व है आपके पास साइक्लिक प्रोसेस का इस तरीके से दिखा रखा है, और इसने बोल रखा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अगर एन है तो आप बताइए कि टोटल बर्डन इस साइकिल के दौरान कितना होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई बड़ी चीज नहीं, हासिल यहाँ से पकड़ लो और देखो कि प्रोसेस हमारे पास कैसे जा रही है। आपको मैंने सारी चीजें बता रखी है, जो भी चीज हमारे पास साइक्लिक मैनर में जाएगा क्लॉकवाइज जाएगा वो हमारे पास पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज वाला नेगेटिव, राइट। अब यहाँ पर देखो बेटा, ए से लेकर बी तक के केस में जो मेरा वॉल्यूम है वो क्या है, कॉन्स्टेंट, यानी कि आइसोकोरिक है, और आइसोकोरिक के केस में बर्डन कितना रहता है, जीरो रहता है, यानी कि वर्क डन इन ए टू बी ये तो आपका जीरो हो जाएगा, राइट। बी से सी पर अगर कोई चीज कॉन्स्टेंट है वो क्या है, टेम्परेचर। देखो यहाँ पे भी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, इस लाइन पे तो पूरे पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट ही रहने वाला है ना, और अभी अभी मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला सिखाया है, अगर आइसोथर्मल में हमारे पास वर्डर निकालना है टेम्परेचर के केस में तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आ जाता है, राइट। तो मैं क्या इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, देखो पहले ये चीज देखो कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो बताइए क्लॉकवाइज जा रही है, बी से सी तक पॉजिटिव जा रहा है, तो आप कह सकते हैं सर बी सी पॉजिटिव है ना, और इसके अलावा हमारे पास इसको निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर, 2.3 2.33 यहां लिख के मैं ln लिख दूं, ln लिख के तो इसको डायरेक्ट, राइट।
एन की वैल्यू बंदे रखी है, वन मोल ऑफ गैस के लिए दे रखी है, एन दे रखी है, चलो एल एन, ये तो एल एन तो उसका आ गया एल एन का, और ये आ गया एन, और आर टी डायरेक्टली लिख लेता हूँ, टेम्परेचर दे रखा था नहीं दे रखा, तो आर टी। अब देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक मिनट, एन आर टी एल एन। अब यहाँ पर बताइए बेटा हमारे पास क्या आएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल कितना है 2v0 अपॉन में v इनिशियल, यानी कि 2v0 बाय v0, v0 से v0 गया तो आपके पास क्या आ गया 2nrtl। यहां तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है या? अब यहाँ पे जो t की वैल्यू थी बेटा ये भी आपको ध्यान रखनी है, t की वैल्यू क्या है 2t0 है, इसको क्या डाल दीजिए और इसे क्या डाल दीजिए 2 टाइम्स t0। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा अब मैं आपसे कहता हूं BC की वैल्यू आ गई 2nrtln2, ऐसे कर ले राइट। अच्छा अब मैं कहता हूं C से D पर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे बर्डन क्या हो जाएगा जीरो, जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है बर्डन क्या हो गया वहां पे जीरो, P डेल्टा V होता है ना बर्डन, तो डेल्टा V कांस्टेंट यानी कि V2 - V1 जीरो हो गया तो W जीरो हो जाएगा। अब D से A तक जब जा रहे हैं तो हमारे पास ये भी आइसोथर्मल प्रोसेस है लेकिन एंटी क्लॉकवाइज है बेटा, और इससे बर्डन हमारे पास कैसा हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका जो बर्डन डी ए का हो जाएगा ये हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा एन आर, टेम्परेचर कितना है इस बार टी नॉट, टी नॉट एल एन वी एफ माइनस वी एल, तो ये तो टू वी नॉट बाय वी नॉट ही रहेगा, तो टू वी नॉट बाय वी नॉट इससे ये गया, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का एन आर टी नॉट एल एन टू राइट। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत। अच्छा टोटल बर्डन के लिए मैं डब्ल्यू ए बी डब्ल्यू सी डी और आपके पास बी सी और डी ए, इन सबको प्लस करूंगा तो आपके पास बेसिकली ये दो आएंगे और ये माइनस का है तो आपके पास वैल्यू कितना आएगा टू में से वन गया वन ही बचेगा, तो एन आर टी एल एन टू ये आपके पास आंसर आ जाएगा। बाकी लॉग में करोगे 2.3, लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, उसको आप सॉल्व कर लेना, जो भी चीजें दे रखी होंगी हमारे पास इस तरीके से आ जाती है। डॉक्टर साहब मेरे को दिख नहीं रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ओह थैंक यू। अच्छा तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, सारी चीजें क्लियर हैं, कोई दिक्कत, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, तो ये नॉर्मल लेवल की न्यूमेरिकल है आपके जो बुक्स में है उन्हें आप इसको करने के बाद आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बट एक बार न्यूमेरिकल तो आपको खुद से ट्राई करने ही पड़ेंगे। हाँ ये तो ऑर्डर किसका निकलो, किसका बेटा ये चीज है। अब जो हमारे पास आता है बेटा वो आते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और लॉ हमारे पास बेसिकली तीन लॉ तो है, और शुरुआत हम लोग जो करेंगे वो किससे करेंगे जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो बेटा जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास हम लोग केमिस्ट्री में भी डील कर चुके हैं, और जो स्टेटमेंट मैंने पहले बोला था कोई अंतर नहीं है केमिस्ट्री और फिजिक्स में, बस केवल किसका अंतर है बर्डन ऑन द सिस्टम और बर्डन बाय द सिस्टम का, क्यों होता है अंतर ये भी मैं आपको बता दिया था, क्योंकि यहाँ पे चीजें कैसे देखी जाती हैं सिस्टम और सराउंडिंग पलट जाते हैं बेसिकली, फिजिक्स में कोई अंतर थोड़ी है, जो चीज केमिस्ट्री में सिस्टम हुआ करती थी फिजिक्स में वो चीज सराउंडिंग हो जाती है, बस इसीलिए प्लस और माइनस का अंतर रहता है, वरना बिल्कुल सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है इनके उसमें रिलेशन में, बहुत सिंपल सी चीज है। अब हम लोग आते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, फर्स्ट लॉ डाल देते हैं हम लोग जीरो, ये थर्ड लॉ था आपका, हाँ ठीक है हम जीरो से शुरू कर लेते हैं, यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, जीरो वन टू पढ़ लेंगे भैया, जीरो तो अभी तो बोलते हैं वेल जीरोथ लॉ क्या कहता है हमसे पहले इस चीज को समझ लेते हैं, और इसके बाद इसमें कुछ मॉडिफिकेशन से ये जो चीजें थोड़ी सी गलत है, जो गलत तो क्या बुक्स में लिखी नहीं है, गलत तो नहीं बोलूंगा क्योंकि जो बुक में लिखे तो बिल्कुल परफेक्ट है, एक्चुअल में इन्होंने बोला है कि मान के चलिए आपके पास कोई एक ऐसा सिस्टम है राइट, कि ए और बी आपस में एक दूसरे से अलग अटैच हैं, और इनके बीच की जो वॉल है ये एडियाबेटिक है, कैसी है एडियाबेटिक वॉल है, एडियाबेटिक वॉल होने की वजह से इनके बीच में कोई भी हीट चेंज नहीं होगा, ये हम लोग देख चुके हैं, क्योंकि एडियाबेटिक सिस्टम में हमारे पास हीट चेंज नहीं होता है, आइसोलेटेड सिस्टम हम लोगों ने कल देख लिया था, तो ये मान लिया मैंने ए है, ये मैंने मान लिया बी है राइट। अब आपके पास थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि अगर आपके पास कोई तीसरा सिस्टम आ जाए, थर्मोडायनेमिक्स नहीं थर्मोडायनेमिक्स तीसरा लॉ कहता है, अगर आपके पास कोई तीसरा सिस्टम आ जाए सच दैट
कि ये जो तीसरा सिस्टम है ये इन दोनों के साथ, किनके साथ, ए और बी दोनों के साथ अटैच है, सच दैट कि ये सिस्टम इसके साथ और इसके साथ इक्विलिब्रियम में आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा इक्विलिब्रियम में है, वर्ड्स को समझिए, इक्विलिब्रियम में आ सकता है क्योंकि यहां पर मेरे पास डायाथर्मिक वॉल्स हैं। ये भी हम लोग केमिस्ट्री में देख चुके हैं सारी चीजें, डायाथर्मिक वॉल बोल लो या कंडक्टिंग वॉल बोल लो, बात एक ही है। हाँ बेटा अभी समझते हैं कैसे सेम होगा बेसिकली। हाँ आप जो बोल रहे हो बिल्कुल होना वही है, एक्चुअल में कोई ना कोई एक बॉडी तो हमारे पास बेटा हाई होगी टेम्परेचर पे और एक बॉडी लो टेम्परेचर पे होगी, और ये चीज हम लोग पहले चैप्टर में देख चुके हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में कि हमेशा जो एनर्जी का फ्लो होता है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे होगा, और वो कब तक होगा, जब तक कि वो बॉडी इसमें ना आ जाए, इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। कौन से इक्विलिब्रियम में? थर्मल इक्विलिब्रियम में, राइट। तो यहां पर ये कहना चाहता है आपके पास बॉडी सी बराबर होती है बॉडी ए के अगर केस थर्मल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी सी इज इक्वल टू बॉडी ए, यानी कि जितना टेम्परेचर इसका यहां पर है इतना टेम्परेचर यहां पर है, और भाई इन दोनों के बीच में दूरियां हैं, इनके बीच में है आइसोलेटेड सिस्टम, लेकिन इन दोनों के बीच में तो हमारे पास सिस्टम में चेंज हो रहा है, यहाँ पे तो कंडक्टिंग सिस्टम है, तो आप कह सकते हो कि सर आपका जो सिस्टम सी है ये बी के भी इक्वल है टेम्परेचर के केस में, इसमें इन दोनों के बीच भी थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन हो पाता है, यानी कि आपके पास यहाँ पर भी थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है। तो आपके पास जो ज़ेरोथ लॉ है वो यही कहता है इफ टू सिस्टम्स आर इन इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम देन द बोथ सिस्टम्स विल बी इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, यानी कि अगर ऐसा है सी ए के साथ भी है सी बी के साथ भी है, इसका मतलब यह है कि आपके पास ए और बी आपस में इक्विलिब्रियम में हैं, राइट। अच्छा मैं आप लोगों से अगर बात बताता हूं कि अगर मैं यहां पर एडियाबेटिक सिस्टम नहीं रखता या फिर सी सिस्टम ही रखता या फिर मैं कहता हूं आप लोगों से कि सी, मतलब आप लोगों का कहने का मतलब, एक मिनट समझो, एक मिनट वापस आते हैं, पहले हम लोगों ने जो आज तक समझा था वो ये समझा था कि सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में सिर्फ और सिर्फ तभी आ सकता है जब हमारे पास उन दोनों का टेम्परेचर क्या हो, सेम हो। अब तक तो हमें ये चीज पता है, ठीक है मैं आप लोगों की बात मान लेता हूँ। अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे कहता हूँ बेटा मैंने इस बार भी वही कहानी करी है, यहाँ पर सिस्टम ए है और यहाँ पर सिस्टम बी है, इसका टेम्परेचर टी वन है और इसका टेम्परेचर टी टू है, और ये जो बीच की वॉल है ये भी मेरे पास इस समय पर क्या है बेटा, एडियाबेटिक वॉल है, तो एडियाबेटिक वॉल में इसको हीट हमारे पास नहीं जा सकती है। आप मुझे बताइए क्या ए और बी इस समय पर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, नहीं है। क्या ये कभी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं? नहीं आ सकते। ऐसा हमें आज तक बोला गया था और आज तक समझा भी गया है, इवन मैंने भी कुछ समय पहले तक यही सोचा था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको मैं एक बार रिमाइंड कराता हूं, मैंने जब थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करी थी उस समय मैंने क्या शब्द बोले थे, नहीं ओपन सिस्टम की नहीं है, और वो शब्द क्यों बोले थे, मैंने आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कराते वक्त कहा था कि कोई भी चीज थर्मल इक्विलिब्रियम में तब आएंगी जब उसकी एग्जैक्टली पी वी और टी कांस्टेंट रहने चाहिए, तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। यानी कि कांस्टेंट से मतलब क्या है कि वो चीज बदलनी नहीं चाहिए, वो चीज बदलनी नहीं चाहिए समय के साथ साथ। अब यहां पर वॉल क्या है, एडियाबेटिक है, तो आपके पास अगर P और B कांस्टेंट है, T तो कभी चेंज होगा ही नहीं क्योंकि एडियाबेटिक ये भी पूरा सिस्टम है, मतलब ऐसे कर ये से सराउंडिंग ही पूरा एडियाबेटिक कर, कि अगर पूरा क्योंकि हम हीट लॉस के चांस नहीं है, पहले तो ये सोचा था ऊपर से हो सकती है, मेरा कहने का मतलब था कि पूरा एडियाबेटिक सिस्टम है, तो बेटा इसके केस में इक्विलिब्रियम में आ सकती हैं चीजें, यानी कि टू बॉडी कैन बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ दे आर सराउंडेड बाय एडियाबेटिक वॉल। इंपॉर्टेंट है बट बुक्स में नहीं मिलती है, रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर हमारे पास इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, समय के साथ साथ कोई भी चीज हमारे पास चेंज नहीं हो रही है, और एडियाबेटिक होने की वजह से जो टेम्परेचर टी वन है यहाँ का टी वन ही रहेगा और यहाँ का टी टू ही रहेगा। हालांकि ये केस आपके पास चांसेस कम है कि पूछे जाए, आपसे जरा मतलब वही पूछा जाएगा, लेकिन हर बार यही चीज की टेम्परेचर सेम होगा तभी थर्मल इक्विलिब्रियम में आएगा ये कहना आप हमारे लिए गलत भी हो सकता है। अगर आपकी बाउंड्री एडियाबेटिक की है तो आपके पास
बिना टेम्परेचर सेम हुए भी चीजें इक्विलिब्रियम यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम में आ सकती हैं एज पर द डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहां तक आप लोगों को चीजें समझ में आती हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यही आपके पास थर्ड लॉ है। स्टेटमेंट आपको मैंने बताई दी है, इफ टू सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम सच दैट इट इज इक्विलिब्रियम विद ए एंड बी, देन ए एंड बी आर आल्सो इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, राइट। So, this is all regarding the Zarathustra's की स्टेटमेंट और ये सब चीज पूछी जाती है। ये चीजें बस आप लोगों से पूछी जाए तो बहुत बढ़िया है, आप हाँ लिख के आ जाना और एक्सप्लेन कर देना कि क्यों है, क्योंकि हम लोग मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को यहाँ पर डील करते हैं। ये कोई क्वांटम फिजिक्स तो है नहीं भैया, जहाँ पे माइक्रोस्कोपिक चीजें देखी जा रही है। मैक्रोस्कोपिक देख रहे हो तो वहां पे तो हमें चीजें साफ साफ पता पड़ रही है कि भैया दिक्कतें क्या हो रही है, राइट। अब आते हैं हमारे पास अपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर। किस पर आते हैं बेटा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वेल ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसके न्यूमेरिकल्स भी थोड़े से अच्छे लेवल के बनते हैं और एक छोटी सी इसमें डेरिवेशन भी आती है और गामा वगैरह का इंट्रोडक्शन भी हो जाता है, यानी कि कुल मिला के छोटा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कामयाब टॉपिक है। जनरली अगर कॉम्पिटिशन क्वेश्चन डाले जाते हैं या तो इससे या फिर हीट इंजन से, इन दो टॉपिक से मेजरली क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आराम से करें। फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या कहता है, आइए इस चीज को समझने की कोशिश अगर हम लोग करते हैं, तो ये कहता है कि आपने अगर किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी चीज को हीट प्रोवाइड करी है, आपकी वो हीट जो यूज होगी वो होती है उस बॉडी के इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में। दो तरीके से काम आती है जो आपने हीट दी है किसी बॉडी पे, या तो वो उस बॉडी की इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी और जो रहा सहा चीज है वो उसे वर्क डन में कन्वर्ट कर देगी। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि द हीट प्रोवाइडेड टू एनी सिस्टम इज इक्वल टू इट्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड द रेस्ट will be in the form of work done। यही आपके पास क्या है बेटा? First law of thermodynamics है। अब first law of thermodynamics से हमारे पास चीजें तो काफी ज्यादा आसान हो गई, ठीक है सर, हमें ये चीज समझ में आती है कि heat जो है हमारे पास delta U plus W, इससे हमें कोई प्रॉब्लम थी भी नहीं। इसने हमारे पास कुछ कॉम्प्लिकेशंस डाल दी थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, मतलब क्या कॉम्प्लिकेशंस थी भी आगे देखते हैं। आपसे अगर ये पूछे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से किसके साथ अपनी वैलिडिटी शो करता है, तो आप कहेंगे इट शोज इट्स वैलिडिटी विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन कन्वर्ट इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कैसे? देखिए, इसने कहा जो आपने हीट दी, हीट क्या है? इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये तो हम लोग पढ़ते हैं, हालांकि हीट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, बट हम लोग ये भी तो जानते हैं इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और इसमें बोला कि जो आप हीट देते हैं वो कॉन्स्टेंट तो है, ये इसमें बोला कि सिर्फ और सिर्फ जनरली हम लोग ये पढ़ते थे कि हीट ही हमारा वर्क डन होगा, लेकिन ऐसा सच नहीं है ना। सच बात तो हमारे पास कुछ और भी है कि आपके पास कुछ एनर्जी तो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए होगा, और जो इंटरनल एनर्जी है ये हमारे पास क्या होगा? U फाइनल माइनस U इनिशियल प्लस W रहने वाला है। यानी कि आप लोगों के पास ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ये आपके काम में आएगा, भी ग्राफिकल इक्वेशन देंगे तब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा कि इसका यूज कहाँ पे होगा। कितनी चीज समझ में आती है? अब ये चीज तो हमें समझ में आ गई कि फर्स्ट लॉ कहना क्या चाह रहा है कि भैया जो भी आप हीट दोगे या तो आपकी बॉडी की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा या फिर आपका वर्क। इसने ये चीज बोला, इसी को उल्टे भाषा में मैं ये बोल सकता हूं कि किसी भी बॉडी की आपको अगर हीट बढ़ानी है तो आप दो तरीके से बढ़ा सकते हो, या तो इंटरनल एनर्जी बढ़ा दो या वर्क बढ़ा दो। एक को नहीं बोला उसने, यानी कि फर्स्ट लॉ की पहली लिमिटेशन इट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन डेल्टा यू एंड डब्ल्यू, कोई डिफरेंशिएट नहीं करता। हाँ बेटा, लिमिटेशन है ना, क्योंकि इसने कहा है हमें तो नहीं पता ना कितनी इंटरनल एनर्जी हमारे पास बढ़ी है, कितनी हमारे पास वर्क डन हुआ, नहीं पता। इसने बोला अगर आपको हीट बढ़ाना है तो इनमें से कोई सही फैक्टर बढ़ा दो, या इसे बढ़ा तो भी हीट बढ़ेगी, बात भी सही है, इसे बढ़ा तो भी हीट बढ़ेगी, ये भी बात सही है। नहीं, फायदा तो हो सकता है, लेकिन ये हमें नहीं, अभी एग्जैक्ट वैल्यू अगर हमें चाहिए हो तो कैसे निकालेंगे, दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए हम लोग लेके चलते हैं कि इसने हमारे पास यू और डब्ल्यू के बारे में बात तो बताई थी, पर कितनी वैल्यू है इसके बारे में कोई बात नहीं बताई थी। ठीक है, समझ में आती है पहला ड्रॉबैक?
तो ये कहता है कि आपके पास सिंपल यू बढ़ाओगे तो भी बढ़ेगा, डब्ल्यू बढ़ाओगे तो भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ाओगे तो भी बढ़ेगा। किस पे कितना इसके बारे में कोई क्वांटिटी के बारे में बात नहीं हुई है, एक लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन, इसने ये भी नहीं बताया था कि आपके पास जो हीट फ्लो होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, यानी कि इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। यहां तक भी चीजें क्लियर हैं। अब जब हमारे पास फ्लो ऑफ हीट की जो डायरेक्शन है इसको भी इसने नहीं बताया था, और तीसरा इसने ये भी नहीं बताया था कि वाई टोटल वर्क कैन नॉट बी कॉन्टिन्यूसली, सॉरी टोटल हीट कैन नॉट बी कॉन्टिन्यूसली कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क, कि जो आपके पास टोटल हीट है इसको हम लोग कॉन्टिन्यूसली मैकेनिकल वर्क में क्यों नहीं कर सकते, ये भी ये लॉ नहीं बता पाया था। ये सब चीजें हम लोग सेकेंड लॉ में पढ़ेंगे अभी आगे आके, राइट। मतलब ऐसा होना चाहिए ना, आप हीट दे रहे हो तो आपके पास वर्क तो उतना मिलता रहना चाहिए, मिलता रहना चाहिए, मिलता रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कि कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी तो कहाँ चली जाती है, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, वो थोड़ी आउटपुट मिलेगा आपको। हाँ टोटल हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी ये बात ठीक है, लेकिन आपके हिसाब से तो आपका ये हमेशा इसके इक्वल होना चाहिए था, लेकिन ये भी तो खर्च हो जाता है। इसीलिए हमारे पास ये आपके कुछ ड्रॉबैक्स थे फर्स्ट लॉ के, राइट। पहला क्या था? पहला बेटा हमारे पास था कि स्पेसिफिकली यू और डब्ल्यू के बारे में अलग अलग से कोई बात नहीं बताता। ये कहता है कि अगर आप यू बढ़ाओगे तो भी आपका बर्डन बढ़ेगा और हीट बढ़ेगी, और अगर डब्ल्यू बढ़ाओगे तो भी आपके पास हीट बढ़ेगी। इतनी चीजें हमारे पास इसने कही थी। यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब बेटा आगे हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास हीट इन थर्मोडायनेमिक्स। ये तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे कि हीट इन थर्मोडायनेमिक्स, हालांकि ये चीज हम लोग एक बार पहले भी कर चुके हैं, तो मैं आप लोगों का बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं करवाऊंगा। रीजन, हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज में सारी चीजें देख चुके हैं, आपको याद होगा मोलर स्पेसिफिक हीट है ना, क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी था एक, और एक ग्राम स्पेसिफिक हीट, राइट। ग्राम स्पेसिफिक हीट हमारे पास क्या था बेटा, अगर आपको याद हो तो सी इज इक्वल्स टू क्यू बाय एम टाइम्स डेल्टा टी। एक ग्राम सब्सटेंस को हीट कर एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो आपको हीट चाहिए होगा वो आपके पास क्या हो जाएगी, ग्राम स्पेसिफिक हीट। लेकिन जब आप इसी मास को एक ग्राम से बदलकर एक मोल में कर देंगे तो आपके पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी, आपको ये चीज हम लोग करा चुके हैं ऑलरेडी, ये हो जाएगी मोलर स्पेसिफिक हीट। अब इस मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या हो सकती है, कहां से कहां तक वेरी कर सकती है, ये चीज देखते हैं। ये समझ में आ गई ना, ये तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट और ग्राम स्पेसिफिक हीट थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में बहुत डिटेल में किया था, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने करे थे, राइट। अब यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं वैल्यू कहां से कहां तक करती है, तो मैं आपसे कहता हूं कि अगर कोई चीज हमारे पास मान के चलिए कंप्रेस सडनली हो गई है सच दैट कि उसका हीट चेंज जीरो है, क्या जीरो है, हीट चेंज जीरो, यानी कि इफ अ सिस्टम इज कंप्रेस सच दैट इट्स Q इज इक्वल टू जीरो, और अगर Q जीरो हो जाएगा तो हमारे पास C की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आपने दबा दिया, हाँ एक साथ इतना तेज कंप्रेस किया कि सारी चीज हो गई, हीट चेंज नहीं हुआ, बहुत सडनली किया मैंने ये काम सच दैट कि इसका Q जो है मैंने कितना ले लिया, जीरो ले लिया, यानी कि इसमें कोई हीट चेंज हुआ ही नहीं, मैंने मान के चला, राइट। तो इस केस में हमारे पास ये कहानी हो जाएगी। अच्छा दूसरे केस में क्या होता है कि मैं इसको एक्सपेंड इतने तरीके से करता हूं कि जितना हमारे पास टेम्परेचर राइज कर रहा था उतना ही टेम्परेचर फॉल भी कर रहा था, यानी कि एक्सपेंशन भी हो रहा था टेम्परेचर राइज करने पे, पर वो हीट रिलीज आउट भी, टेम्परेचर जो है रिलीज आउट भी हो रहा था, यानी कि इंक्रीज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू डिक्रीज इन टेम्परेचर सच दैट आपके पास डेल्टा टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर इस केस में डेल्टा टी अगर जीरो हो जाएगा तो आपके पास सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी, अकाउंट में जीरो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगी। अच्छा तीसरा केस क्या हो सकता है कि आपके पास जो एक्सपेंशन का टेम्परेचर है वो आपके पास क्या है, ज्यादा है, और कंप्रेशन का टेम्परेचर कम है, यानी कि टी एफ माइनस टी आई की वैल्यू पॉजिटिव है, और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हीट तो इस बार होगी क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, तो इसका मतलब सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, पॉजिटिव भी आ सकती है। और इसका रिवर्स कर दो, अगर एक्सपेंशन कम है कंप्रेशन ज्यादा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा,
नेगेटिव, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे पास कहानी किस तरीके से कौन कौन साइन कन्वेंशन लेना है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा था बेटा और यहाँ पे कंप्रेशन हो, मतलब यहाँ पे जो तुम्हारे पास वैल्यू थी वो कंप्रेशन की बड़ी थी, एक्सपेंशन की छोटी। देखो यहाँ पे हमारे केमिस्ट्री में क्या होता है, हमारे पास कंप्रेशन पॉजिटिव लिया जाता है राइट, लेकिन यहाँ पे कंप्रेशन पॉजिटिव नहीं लेते हम लोग। नहीं नहीं बेटा, एक्सपेंशन अगर बताया है तो गलत था, जो आपके पास वर्क डन है, जो आपके पास सारी चीजें, मतलब सारी चीजें चेंज होंगी। अगर मैं आपके पास बुक से डेटा बताता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास है टेम्परेचर राइज करने के साथ इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, तो इसको पॉजिटिव लेते हैं। जब हीट सप्लाई होती है तो हमारे पास पॉजिटिव है ना, और वर्क डन बाय द गैस यानी कि एक्सपेंशन यहाँ पर पॉजिटिव लिया जाता है। यही चीज मैं आपको बता रहा था पहले भी कि वर्क डन बाय द गैस अगर बताया तो गलत है, क्योंकि वर्क डन बाय द गैस ये मैंने आपको स्थिर बताया था उससे, ये वाला एक्सपेरिमेंट याद, इसको कराया था पिस्टन को यहाँ से, तो ये उठा था है ना, तो वर्क डन बाय द गैस यानी इसमें क्या हो रहा है एक्सपेंशन। तो जब एक्सपेंशन की वैल्यू बड़ी होगी तो एक्सपेंशन माइनस कंप्रेशन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, लेकिन जब कंप्रेशन की वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो हमारे पास सी नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि मेरा जो सी है उसकी वैल्यू कहीं से कहीं तक भी लाई कर सकती है, इन्फिनिटी से लेकर नेगेटिव भी पहुंच सकती है, पॉजिटिव भी पहुंच सकती है और जीरो भी पहुंच सकती है। इन्फिनिटी वाला एक और बता बेटा, इन्फिनिटी का मतलब ये था कि जब मैं आपका टेम्परेचर है वो इस तरीके से कुछ बढ़ा रहा हूँ कि जितना टेम्परेचर एक्सपेंड कर रहा है उतना कंप्रेशन, एक्सपेंशन इक्वल टू कंप्रेशन समझ लो, कि जितना टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है उतना बाहर रिलीज आउट भी हो रहा है। अगर आपका उतना ही टेम्परेचर जितना बढ़ रहा है उतना बाहर भी जा रहा है तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, जीरो, क्योंकि T2 minus T1 बराबर हो गए, तो T2 minus T1 जीरो हो गया, और जब इस केस में T2 minus T1 जीरो हो जाएगा तो आपके पास C की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। तो ये आपसे पूछ लिया जाता है कि C की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करते, भैया सब जगह ट्राई करती है, सारे ऑप्शन डाल देना, प्लस इन्फिनिटी से मतलब इन्फिनिटी से लेकर प्लस माइनस जीरो सारी वैल्यू जा सकती है राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब आप लोगों से कहा जाता है कि आपका जो क्यू है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के, और ये Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा T, राइट राइट। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंबाइन कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा Q इज इक्वल्स टू N टाइम्स डेल्टा T। अब मैं आपसे लेता हूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, पहला केस क्या लेता हूं बेटा मैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कौन सा वाला बेटा, हाँ अभी यहाँ पे रखूंगा ना, कांस्टेंट वॉल्यूम में है कि इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शनल से हटाऊं तो एक कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट आ गया आपके पास सी। कांस्टेंट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो Q इज इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी। और जब मेरे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में Q इज इक्वल्स टू यू प्लस डब्ल्यू होता है और कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब W की वैल्यू जीरो हो जाएगी, P डेल्टा भी होता है तो इसका मतलब Q इज इक्वल्स टू यू हो जाएगा। और मैं ये भी कह सकता हूँ मेरा चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आ जाएगा बेटा N टाइम्स ऑफ CV डेल्टा T। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट, बहुत ही सिंपल तरीके से किया है हम लोगों ने, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सेम यही चीज अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पर ले लेता हूँ एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर पर जो चीजें होंगी सेम तो ये रहने वाला है क्यू एन और ये, बस अंतर क्या आएगा सी वी की जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास सी पी आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि सर आपके पास जो क्यू आएगा वो आ जाएगा एन सी पी डेल्टा टी, बाकी सब कुछ सेम है राइट। तो ये मेरे पास U की वैल्यू आ गई है और ये मेरे पास Q की वैल्यू आ गई है। अब मैं कहता हूं फॉर वन मोल ऑफ अ गैस, फॉर वन मोल भी नहीं कहता, फॉर एन मोल ऑफ आइडियल गैस, किसके लिए आइडियल गैस के लिए मैं अपनी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाता हूं तो Q इज इक्वल्स टू यू प्लस डब्ल्यू को मैं P टाइम्स ऑफ V लिख सकता हूं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आगे अगर हम लोग चलते हैं तो Q की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई थी बेटा N times of Cp delta T आई थी राइट, और U की वैल्यू बेटा मेरे पास कितनी आ गई थी N times of Cv delta T, N times of Cv delta T, और Pv को हम लोग क्या लिख सकते हैं nRT, ये तो हमें पता है Pv is equals to nRT, तो यहाँ पर आपके पास आ गया nRT राइट। यहाँ पर देखना n डेल्टा t, n डेल्टा t, n डेल्टा t, p डेल्टा लिख दीजिए, n डेल्टा t लिख दीजिए, वैसे चेंज इन टेम्परेचर को रखेंगे ठीक है। तो हमारे पास n डेल्टा t यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से n डेल्टा t कॉमन लूंगा, दोनों तरफ
एन डेल्टा टी तो कट जाएगा ये, तो आपके पास बचेगा सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर, और यू कैन राइट CP माइनस CV इज इक्वल टू R, और इसी फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं मेयर्स फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बेटा? मेयर्स फॉर्मूला। अब यहाँ पर CP क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। CV क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब यहाँ पर हमारे पास जो एक फाइनल टर्म आज के लिए रखते हैं बस, वो आता है आपके पास एडियाबेटिक कांस्टेंट। क्या बोला बेटा मैंने? एडियाबेटिक कांस्टेंट। अब ये एडियाबेटिक कांस्टेंट किस तरीके से होता है और क्या होता है, अगर मैं इसको समझाऊं तो आप ऐसे समझ लीजिए, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू दैट ऑफ किसका, कांस्टेंट वॉल्यूम का। तो ये जो आपके पास आता है रेशियो, यानी कि सीपी बाय सीवी, ये आपका एडियाबेटिक कांस्टेंट होता है, और इसी को हम लोग गामा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपके पास मेयर्स फॉर्मूला है सीपी माइनस सीवी बाय आर, और जो रेशियो है सीपी बाय सीवी का, उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आती है। तो ये हमारे पास शुरू हो चुका है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, लेकिन आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स कल करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।